रिवांस हो क्या चल, उम्मीद है सब खरे ठाको खुश हो। मेरा नाम अब्दुल्ला और आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ मृणाल पंचल की मेकअप वीडियोस पर। तो जैसे कि पहले मैंने इनकी रील्स पर रिएक्शन दिया था, कपल रील्स इनकी और अनिरुद्ध की, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने पूछा था कि मैं मुझे इनकी मेकअप वीडियोज़ पर रिएक्शन देना चाहिए या नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया कि भाई हाँ। तो अभी आ गई वो वीडियो, होप से वीडियो आपको पसंद आया, तो कर लेते वीडियो को स्टार्ट। वाह ये मतलब इतना, ये पेंट वाला सीन हो गया, पेंट कर दिया। अच्छा कोई हॉरर मेकअप है, जोकर टाइप। अच्छा इस वीडियो की साउंड वैसे ही कम है, ठीक है ना। हाय 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 बोलो। ओए तोबा, कसम से ये जब हंसी ना, डर महसूस हुआ थोड़ा। यार ये इतनी क्यूट हो जाती है, मतलब मेकअप के अच्छा अगर किसी को आता हो ना तो बंदा खुद को अपने आप को काफी चेंज करता है। अच्छा वो पहली वीडियो में मुझे लगा था कोई मतलब ऐसी वीडियो होगी, लेकिन उसमें भी मेकअप निकल आया। अच्छा ये बाल ज्यादा प्यारे लगे इनके। कुछ वीडियोस थी कि उसमें इनका बड़ा ही मतलब कह सकते हो कि उम्मीद से परे वाला मेकअप लुक होता है। अभी इसमें भी है वीडियो, मतलब उस तरह का मेकअप इधर कम ही कुछ लोग करते। वैसे एक लड़की है पाकिस्तान में भी जो इनके टक्कर का मेकअप करती है, वो मैं उनका नाम है समोई, पाकिस्तानी टिकटॉकर है शायद, तो उनके मेकअप भी बड़े एंड। कभी प्यारी लग रही है चुड़ैल के रूप में, उसमें चुड़ैल ने ये रूप लिया था इसलिए बोला। जैसे कि मैंने पहले एक दिन कहा था कि एनिमे जब हम छोटे थे तब देखते थे ना, उस वक्त इस तरह की लड़कियां बीच में आती थी। नोटिस अच्छा एक दफ़ा मुझे याद है मैंने अलीशा खान की एक वीडियो देखी, तो उसमें उनका नाक काफ़ी पतला था। सोमिया की देखी, हाँ अलीशा की नहीं, सोमिया की। तो मैंने कहा कि शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है या ये है वो है, तो मुझे नीचे कमेंट आया कि नहीं वो मेकअप की वजह से है। तो मैं वाह,
इस तरह का मेकअप भी होता है। और हाँ, एक मैंने एक और जो संजीव दास की वीडियो का पूछा था, तो मुझे नीचे कमेंट में आ रहा है कि भाई उसने बीएड भी में। अभी इनका देखो, इन्होंने इतना ज़्यादा किया लेकिन फिर भी देखने में लगता नहीं कि इतना ज़्यादा किया। अभी देखो ऐसे लगता है जैसे मतलब हल्का हल्का सा किया और बाहर आ गए, और फिर लेकिन अच्छा इस अब लग क्या रहा है कि सिर्फ ये लगाया और लिपस्टिक लगाई बस। कुल्फी वाला अन्नम, भाई अन्नम दरबार भी बड़े मेकअप इस तरह के ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बनाती है, मैंने देखा है कुछ दफा। इस इनका लेवल है, सही बात। मैंने कहा ना कि अगर इनकी टक्कर में, मुझे जो लगता है कि अगर कोई मेकअप करता है टक्कर में, बेहतर नहीं कह रहा, पाकिस्तानी सोमिया यार। वैसे बड़ा मुश्किल काम भी है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, वरना हर एक के बस की बात भी नहीं। फिर ये तो है, जो अगर मेहनती हो तो फिर ही, जो इस तरह का मेकअप करे, इस तरह का मेकअप करने की मतलब मेहनत करे, तभी उसे जाके ऐसे लुक्स मिलते हैं, वरना इस तरह के लुक्स होते हैं। बाकी ये रही इनकी मेकअप वीडियोज़, यार काफ़ी मतलब सुना था मेकअप से काफ़ी कर सकते हो ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो हमेशा माइंड में यही रहता है कि वो कोई करे या कोई बहुत बड़ा को मेकअप आर्टिस्ट है वो, उनको ही आता है। लेकिन हाँ, ये भी मतलब मेकअप अच्छा करती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खुद अपना, वो भी इस लेवल का मेकअप करना खुद, ठीक है ना। मतलब एक तो होता है ना, किसी आर्टिस्ट के पास गए और उसने किया है, किसी मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना उन्होंने किया है, मेकअप स्पेशलिस्ट, तो उनकी अलग बात है क्योंकि उन्होंने किया। लेकिन खुद इंसान खुद का इतना बेहतर मेकअप करे तो वो एक बड़ी मज़ेदार सी बात है। और पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि एक ही मुझे लगती है कि वो इनके टक्कर की हैं, क्योंकि उनके भी मेकअप इस तरह के होते हैं। और स्पेशली इनमें मज़ाक कब आता है, जब इनका मेकअप वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड से लुक नहीं होते, जो मतलब कहीं चुड़ैल बनी होती है, कहीं शेर, कहीं कुछ, कहीं वो मैं सोचता हूँ पता नहीं वो कैसे बनाते होंगे, क्योंकि मेरे तो तवक्को ही सही बाहर हैं, मेरे से तो होने से ही रहा। बाकी ये रही उनकी वीडियोस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस थी, और ये एक लेवल होता है, मैंने जैसे कहा कि भाई ये किसी किसी को आता है, जिसमें हो हौसला ये करने का वही कर सकता है, वरना मैं तो खुद के अपने बाल भी नहीं ढंग से संवारता, ठीक है। तो होप्स वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।